इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने जिनको पढ़कर हिंदुस्तान की मिट्टी से फिर से मोहब्बत हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं, और ये व्यक्ति और कोई नहीं हमारे देश के दत्ता गांधी है, और सौभाग्यवश ये हमारे बीच मौजूद है और हाल ही में इन्होंने अपने आयु का 100वां साल पूर्ण किया है। तो आइए ले चलते हैं आपको इनके जीवन पर। दत्ता गांधी का जन्म मई 1922 रायगढ़ जिले में एक गुजराती परिवार में हुआ था। इन्हें आज भी जान पहचान के और कई करीबी लोग अप्पा कहकर पुकारते हैं। दत्ता ने अपनी पढ़ाई छोड़कर कई आंदोलन में भाग लिया और 18 महीने विसापुर जेल में बिताए। उसके बाद भी उन्होंने राष्ट्र सेवा दल में अहम भूमिका निभाई और तभी से उन्होंने अपने आप को संयुक्त महाराष्ट्र समिति तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों में ढाल लिया। इन्होंने अपने आप को राजनीति से भी दूर रखा और न ही सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन जैसी योजनाओं के लिए कभी दावा किया। भारत माँ के लाल है जो, जिन्होंने दी है भारत को पहचान सही, अखंड भारत के निर्माण में जिनका है बड़ा योगदान, ऐसे है देश के स्वतंत्रता सेनानी दत्ता गांधी। यह थी जीवशा तोशनीवाल की रिपोर्ट द ट्रूहंट चैनल के लिए।